नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। नरसिंहपुर, जहां विगत 7 महीनों के बाद अब जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन दोबारा मुलाकात कर सकेंगे। बीते महीनों से कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी, जो अब हटा दी गई है। हालांकि मिलने के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, जिसके चलते मिलने वालों के लिए सुनिश्चित स्थान पर व्यवस्थित गोले बनाए गए हैं, जहां से परिजन मुलाकात कर सकेंगे। इसके अलावा जहां पहले सप्ताह में कैदियों से परिजन 2 बार मुलाकात कर सकते थे, वहीं अब 15 दिनों में 1 बार ही मुलाकात कर सकेंगे। अंकित शुक्ला की रिपोर्ट। जेल में लंबे समय के बाद मुलाकात पुनः स्टार्ट हो रही है। इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जेल प्रशासन के द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, और हम बार बार लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे भी नियम का ध्यान रखेंगे, 2 से अधिक लोग मुलाकात के लिए ना आए। विचाराधीन कैदियों के मामले में सप्ताह में केवल 1 दिन मुलाकात है, और दंडित बंदियों के लिए 15 दिवस में 1 बार मुलाकात का अवसर दिया जा रहा है। तो इन नियमों को वो ध्यान रखेंगे, और पूर्व से ही पहले ही जेल के अंदर जो टेलीफोन मौजूद हैं उसमें अपने परिवार वालों को बता दें कि भाई हम इस तारीख को मुलाकात के लिए आ रहे हैं। प्री रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम सुरक्षा के साथ SOP का पालन करते हुए आम जन को उनके परिवारजनों से मुलाकात दे सकते। मैडम, टाइमिंग में क्या परिवर्तन आया है? कुछ टाइमिंग 20 मिनट की वार्ता सीमा घटा के 15 मिनट कर दी गई है, और प्रातः 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में मुलाकात संचालित की जाएगी जेल पर। और हमारा निवेदन है कि लोग सुबह आकर अपना नाम लिखवा दें, और समय पर ही जब उनका नाम पुकारा जाए तब ही मुलाकात कक्ष में प्रवेश करें। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, और यही मेरा निवेदन है कि स्वस्थ लोग, युवा लोग आए और 2 से अधिक ना आए। मैम, क्या नाम है आपका? शेफाली तिवारी, जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल नरसिंहपुर। अगर साइड